हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बिल्ड करने वाले हैं एक राइजन बेस्ड पीसी, गेमिंग प्लस एडिटिंग पीसी होने वाला है। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार गाइज, जो सबसे बेसिक कंपोनेंट है हमारे आज इस पर्टिकुलर बिल्ड का, वो है AMD राइजन 75800X, जो कि एक 57 सीरीज़ का प्रोसेसर है, जिसमें 8 कोर और आपको 16 थ्रेड मिल जाएंगे, जिसकी आप बेस क्लॉक मैं बोलूँ 3.8 GHz है, और अप टू ये 4.7 GHz तक की मैक्स जा सकता है ना। 8 कोर आपको मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस वाइज बहुत डिसेंट है, लेटेस्ट जेन का ये प्रोसेसर है। आपको एक मतलब बैलेंस्ड, मैं कहूँ तो बैलेंस्ड परफॉर्मेंस देता है ना आपको राइजन 5 5600X, जो आप अगर यूज़ करते हैं या आप यूज़ करते हैं तो उसकी तरह थोड़ा सा थोड़ा मतलब वो प्रोसेसर इस प्रोसेसर के कंपेयर में थोड़ा कम परफॉर्मेंस देता है। और ऐसे ही राइजन 9 के जो लेटेस्ट जेन के जो प्रोसेसर हैं वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, और भाई उतने ही ज़्यादा महंगे भी हैं। तो ये आपको एक टोटली ना राइजन 5 ना राइजन 9 एक बैलेंस्ड आपको मतलब परफॉर्मेंस देने वाला है ये राइजन 75800X। इसके बाद इस प्रोसेसर के लिए हमने जो मदरबोर्ड यूज़ किया है वो है अपना MSI MPG B550 गेमिंग एज वाईफाई। इस मदरबोर्ड को चूज़ करने का भाई पर्टिकुलर बस यही था कि ये एक तो MSI की तरफ से आपको अच्छी अच्छी खासी आपको पूरी हीट सिंक वगैरह मिल जाएंगी, आपको इसमें काफ़ी सारे पोर्ट मिल जाएंगे, आपको वाईफाई का सपोर्ट है, तो आपको एडिशनल कोई अलग से कोई वाईफाई राउटर वगैरह या कुछ मतलब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पोर्ट्स भी इसमें काफ़ी सारे मिल जाएंगे। और इवन आपको इस पर्टिकुलर जो मदरबोर्ड है इसमें एक बायोस फ्लैश करने का भी बटन मिलता है, एक ऑप्शन मिलता है, तो यार काफ़ी अच्छा है अगर आपको इवन मतलब इन फ्यूचर आप बायोस फ्लैश करते हैं या जो जैसा भी आपको है ना, तो आप आराम से इसमें कर सकते हैं। M.2 के दो आपको इसमें वो मिल जाएंगे क्या स्लॉट्स, तो आप आराम से M.2 अपने इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं रैम की बात कर लूँ तो यार रैम मैंने जो इस पर्टिकुलर बिल्ड में यूज़ किया वो है कॉर्सेयर वेंजस RGB प्रो, 8 GB की दो स्टिक्स हैं जो कि 3200 MHz पर क्लॉक हैं। इसका मतलब हमारे पास टोटल 16 GB की मेमोरी हो जाती है आपके इस बिल्ड में, जो कि इनफ होने वाली है। अगर आप इन फ्यूचर अपग्रेड करना चाहते हैं तो आराम से आप इसी रैम के साथ जा सकते हैं, 3200 MHz यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, 16 GB इज़ मोर देन इनफ होने वाला है आपके इस पर्टिकुलर बिल्ड में। इसके बाद अगर हम थोड़ा भाई इसके AIU की बात कर लें, क्योंकि राइजन 7 के साथ ये जो राइजन AMD राइजन 75800X है इसके साथ कोई आपको स्टॉक कूलर नहीं देखने मिलता है, इसलिए हमने इस पर्टिकुलर बिल्ड में यूज़ किया है लियानली की तरफ से आने वाला लियानली गैलाहैड 240 ARGB AIU लिक्विड कूलर। तो एक ये 240 mm का एक लिक्विड कूलर है जो कि यू नो वाइट कलर का है पर्टिकुलर, आप चाहे तो इसमें ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, आपका जैसे ही बिल्ड है आपके जैसे ही आप करना चाहते हैं ना वाइट या ब्लैक जैसा भी, लेकिन आप चाहे तो दूसरे भी ऑप्शन से AIU की तरफ देख सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यही AIU यूज़ करें, आप जो आपको पर्टिकुलर मतलब आपके बजट में फिट हो रहा है या जो आपको पसंद है पर्सनली जो पसंद है, या मतलब एक ब्रांड होता है जो हर एक ब्रांड अपना अलग अलग लोगों को अलग अलग पसंद आता है, पर्सनल फेवरेट ब्रांड रहता है, तो आप AIU की तरफ जा इसी AIU की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो आप अपने पसंद का कोई भी AIU ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम भाई स्टोरेज की बात कर लें तो स्टोरेज के लिए मैंने यहाँ इसमें यूज़ की है WD की तरफ से आने वाली NVMe, जो कि है 250 GB की NVMe आपके विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए इनफ होने वाली है, आपका आराम से इसमें पूरे विंडोज़ जितना भी पूरा इंस्टॉल इसमें हो जाएगा, और जिससे आपका जो बूट टाइम है काफ़ी फास्ट हो जाएगा। इसके बाद भाई मैं बात करूँ तो सेकेंडरी स्टोरेज में जिसमें आप अपने गेम वगैरह जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह सब रखेंगे वो है एक WD की तरफ से आने वाली 1 TB की हार्ड डिस्क। तो भाई ये हार्ड ड्राइव है आपको 1 TB की, आप अब ये आपके ऊपर है आप कितनी TB की यूज़ करना चाहते हैं, मैंने तो इस बिल्ड में 1 TB की यूज़ की है, तो आप 2 TB 3 TB जितने भी आपको मतलब कहना चाहूँ तो मैं जितना भी आप चाहते हैं जितना भी आपकी गुंजाइश है यूज़ करने की आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद भाई अगर हम
पीएसयू की बात कर लें तो भाई इसमें मैंने यूज़ किया है एक कुरियर मास्टर के तरफ से आने वाला MWE 750 वॉट ब्रॉन्ज सर्टिफाइड, मतलब 750 वॉट का ये पावर सप्लाई है कूलर मास्टर की तरफ से, जो कि एक ब्रॉन्ज सर्टिफाइड नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। ये आपको आराम से आपके पीसी के लिए इनफ होने वाली है। इतनी स्टोरेज आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, इसमें बहुत ही मतलब 750 वॉट इज़ इनफ है। आप 850 भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ 750 से कम जाएंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत का सामना कर सकना पड़ता है। तो यार वही है कि 750 वॉट इज़ इनफ, तो आप उसी के साथ ही जाएँ। इसके बाद भाई जो अपना कैबिनेट मैंने जो इसमें यूज़ किया वो कूलर मास्टर का मास्टर बॉक्स TD500 मैश ट्रिपल ARGB फुल टावर गेमिंग कैबिनेट। तो इस कैबिनेट में भाई आपको तीन तीन ARGB फैंस प्री इंक्लूडेड मिल जाते हैं फ्रंट की साइड में, है ना। और आपको तीन फैन ARGB मिल जाते हैं भाई कूलर मास्टर की तरफ से। आने वाली एक कैबिनेट में कहूँ तो काफ़ी अच्छी कैबिनेट है, वाइट कलर में, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब यू नो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है इस कैबिनेट को यूज़ करती है और बहुत इस फीस की कोई कमी नहीं है इसमें। काफ़ी अच्छी कैबिनेट है, अपनी प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही है। इसके बाद भाई जो मैं लास्ट जो बात कर लूँ ग्राफिक्स कार्ड की, मैं लास्ट में भाई इसलिए बात करता हूँ ग्राफिक्स कार्ड क्योंकि भाई आजकल जो ग्राफिक्स कार्ड की हालत है वो बहुत ही बेकार चल रही है, ग्राफिक्स कार्ड मिल ही नहीं रहे हैं किसी को। अगर आप इस पर्टिकुलर बिल्ड में पेयर करना चाहते हैं कोई भी ग्राफिक्स कार्ड तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा 3060 TI से तो नीचे बिल्कुल ही ना जाएं, है ना। और आप जाते तो 3090 तो बिल्कुल मत लगाएं, मतलब 3090 लगाने का इसमें कोई वो है ही नहीं, आप थोड़ा बॉटल नेक कर देगा तो। और 3090 आपको मिलता नहीं मिलता आजकल, अभी तो अभी के टाइम में जो मतलब ग्राफिक्स कार्ड का जो सीन चल रहा है ना भाई बहुत ख़राब है। इसके बाद आप जो इस बिल्ड में यूज़ करेंगे वो आप आराम से आप RTX 3070 यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी बॉटल नेक नहीं देखने मिलेगा, आपके गेम्स बहुत ही अच्छे चलने वाले हैं, बहुत स्मूथ चलने वाले हैं, कोई बॉटल नेक नहीं देखने मिलेगा। राइजन 750 800 के साथ बहुत ही अच्छा ये मतलब एक आप पेयर बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। राइजन 3080 भी आप पेयर कर सकते हैं, बट वही है थोड़ा मतलब हाई एंड हो जाते हैं 3080 3090, इसलिए मैंने 3070 चूज़ किया। और 3060 भी थोड़ा लो एंड हो जाता है, इसलिए एक मतलब बैलेंस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3070 यूज़ किया है, जो कि काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है और आपको आराम से सब प्रोवाइड कर देगा। तो यार यही था आज की पर्टिकुलर वीडियो में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।